ग्वाटेमाला, ऑफिशियली जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ ग्वाटेमाला है, ये सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक कंट्री है। ग्वाटेमाला 1821 में स्पेन से आजाद हुआ। इसका एरिया 108,879 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर ग्वाटेमाला सिटी है। यहाँ की आबादी 1,72,00,000 से ज्यादा है, और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको यहाँ 129 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर दिख जाएंगे। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। क्वेटजल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, जो भारत के करेंसी के 9.66 के बराबर है। इस करेंसी का नाम क्वेटजल परिंदे के नाम पे रखा गया है। ग्वाटेमाला में इंस्टेंट कॉफी का प्रोसेस का इन्वेंशन जॉर्ज वाशिंगटन के नाम के एक इन्वेंटर ने किया था, जो एंग्लो बेल्जियन ओरिजिन के थे। कॉफी का एक्सपोर्ट कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेस है। लगभग 50% ग्वाटेमालंस एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में काम करते हैं। यहाँ की GDP 80 बिलियन यूएस डॉलर है और पर कैपिटा 4,582 यूएस डॉलर है। क्या आपको चॉकलेट बार पसंद है? मायान टाइम्स के दौरान ग्वाटेमाला में पहली बार चॉकलेट बार का इन्वेंशन हुआ था। इस कंट्री में दूसरी सबसे बड़ी ओजोन की कंसेंट्रेशन है। ओजोन एक गैस है जो अर्थ के अपर एटमोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ग्राउंड लेवल ट्रोपोस्फेयर दोनों में मौजूद है। ग्वाटेमाला अपने बड़े रेन फॉरेस्ट और पुरानी मायान साइट्स के लिए जाना जाता है। ग्वाटेमाला में 30 से ज्यादा वोल्केनोज है, जिनमें सिर्फ 3 एक्टिव हैं। ताज मुल्कुब वोल्केनो कंट्री का हाईएस्ट वोल्केनो है, जो सी लेवल से 4,203 मीटर ऊपर है। ग्वाटेमाला लैटिन अमेरिका में सबसे वायलेंट क्राइम रेट में से एक है। कंट्री में 2014 में 6,000 वायलेंट डेथ्स हुई और 2016 में हर हफ्ते तकरीबन 101 मर्डर रिपोर्ट हुए। मोटेगुआ रिवर ग्वाटेमाला की सबसे लंबी दरिया या रिवर है। ये लगभग 250 मील की दूरी तय करता है। ग्वाटेमाला की झील एटिटलान सेंट्रल अमेरिका की सबसे गहरी झील है, जिसकी मैक्सिमम गहराई लगभग 340 मीटर है। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत झील भी माना जाता है, जो इस कंट्री के सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के तौर पर काम करती है। ग्वाटेमाला भी जेट का दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है। टूरिज्म इस कंट्री का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, जो लगभग 35% आबादी को रोजगार देता है। ग्वाटेमाला में हर साल तकरीबन 12,00,000 से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। कंट्री में जमीन और दौलत का बराबर तकसीम ना होना एक बहुत बड़ी यहाँ की अनइवन डेवलपमेंट का मेन वजह है। फुटबॉल ग्वाटेमाला का सबसे पॉपुलर खेल है। इसके अलावा ग्वाटेमालंस स्पीलुंकिंग नाम की एक्टिविटी करते हैं, जहाँ वो जाते हैं और गुफाओं का पता लगाते हैं। ग्वाटेमाला में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ग्वाटेमाला के लोग हर साल 1 नवंबर को डे ऑफ द डेड मनाते हैं। इस दिन लोग कब्रिस्तान जाते हैं और अपने रिश्तेदारों की याद में पतंग उड़ाते हैं। ग्वाटेमाला के लोग डाइट में हैवी मीट प्रेफर करते हैं। यहाँ के लोग टोपेडो नाम का एक मसालेदार स्टू के शौकीन हैं, जो मछली, नारियल, केला और शरीफा को मिलाकर बनाया जाता है। अगर ग्वाटेमाला में किसी के घर में इनवाइट किया जाता है तो चॉकलेट्स, वाइन या फूल ले जाना सही रहता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इस कंट्री के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।